कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली से परेशान अभिभावकों ने अब सरकारी स्कूलों का रुख कर लिया है, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में अचानक छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी है। अचानक बड़ी छात्र छात्राओं की संख्या के चलते विद्यालय प्रशासन को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना काल में सभी शिक्षण संस्थान को शासन के आदेश पर बंद कर दिया गया था, लेकिन निजी विद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी, जिसके एवज में अभिभावकों को काफ़ी जेब ढीली करनी पड़ी थी। इसलिए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभिभावक सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। इस वजह से विद्यालय प्रशासन को बच्चों को मध्याह्न भोजन करवाने, छात्र छात्राओं के बैठने का इंतजाम करने और अध्यापन से जुड़े शिक्षकों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब से कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ है तब से प्राइवेट स्कूल तो लगभग बंद हो गए हैं। वहाँ पर छात्र संख्या घट रही है और सारे बच्चे, चूँकि वहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल बंद होने के कारण हमारे विद्यालयों में एडमिशन के लिए जो है असर हो गए हैं। इस स्थिति में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या हो रही है कि हम लोग बच्चों को बैठने के लिए सही से कमरे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। उनके लिए जो है ग्राउंड जो है जितनी संख्या है उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं है, और रूम्स में जितने हमारे पास जितने रूम्स हैं, जितने बच्चों के लिए सीट्स हैं, रूम्स हैं, वो हमारे पास जितनी छात्र संख्या थी उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। क्योंकि अब स्थिति ये है कि हमें अपना जो ऑफिस है उसको भी हमें एक रूम में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, उसमें भी हमें अपने बच्चों को बिठाना पड़ रहा है। क्योंकि अब बच्चे हमारे विद्यालय में आए हैं तो हमारी ये नैतिक दायित्व है कि हम उन्हें वो सब सुविधाएं प्रोवाइड करें जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे भी प्राप्त कर रहे थे। तो प्राइवेट हो चाहे कहीं के बच्चे हों, वो हमारे लिए एक हमारा एक नैतिक दायित्व है कि हम उनको सब चीज़ें प्रोवाइड कराएं। लेकिन समस्या ये है कि छात्र संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चों को हम उस तरह से जिस ढंग से हमें पढ़ाना है उस छात्र संख्या एक टीचर पर 75 बच्चे होंगे एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे यहाँ एक गाइडलाइन के तहत 35 स्टूडेंट्स का है, लेकिन यहाँ पर 70-75 बच्चे आ रहे हैं और आ भी रहे हैं जब से स्कूल खुला है। क्योंकि एक समय से स्कूल बंद था तो बच्चों में भी एक बहुत क्यूरियसिटी थी कि हम विद्यालय जाएं, बहुत कुछ सीखें। इतने दिनों से पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि हम बहुत कुछ बच्चों को सिखाएं, और यहाँ पर लगातार प्राइवेट स्कूल बंद थे और सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल खुला तो उनको लगा कि नहीं बच्चों को कहीं से भी शिक्षा मिले। सर बच्चों को बैठने के लिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन बच्चे जो हैं बढ़ते ही आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों या टीसी वाले आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ छात्र संख्या इस समय मतलब 400-450 हो चुकी है और कमरे हमारे यहाँ जो हैं वो केवल 14 कमरे के हैं। वॉल्टियर बैठने की व्यवस्था ये हमारी है, हमने व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रूप चलाने के लिए किया है कि मैं भी अपना खाली करवाए हैं बच्चों को बैठने के लिए, बिना मंच भी उसी में जोड़ दिए हैं, बच्चों को बैठने के लिए माइक की व्यवस्था किए हैं और हमारे यहाँ डेस्क है ही। तो इस तरीके से हमने व्यवस्था करने का प्रयास किया है, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्था बैठने के लिए नहीं।